नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज लीला सेठ के बारे में हम लोग बात करेंगे। लीला सेठ क्या थी? महिला न्यायाधीश थी जिसने अपने जिसने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। आज 5 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर। इनके जीवन के कुछ अंश हुए पहलुओं पर हम बात करते हैं। आइए जानते हैं लीला सेठ, महिला न्यायाधीश की कहानी जिसने पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर का अधिकार दिया है। आइए इनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम देखें। सेठ किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। लीला सेठ कौन थी? किसी भी उच्च न्यायालय की संख्या इस समय भारत में 25 है। तो लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। यह उपलब्धि उन्होंने आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को हासिल की थी। यह 5 अगस्त 1991 को उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम वुमेन जस्टिस बनी, महिला न्यायाधीश बनी। प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ, जिनकी किताबें आती हैं, ये इनके पुत्र थे। यह हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इन्होंने दो बार तरीके से यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव मिला और यह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। यह देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार एग्जाम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लंदन में जो बार एग्जाम होता है वकीलों का वकालत करने के लिए, उसमें इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह एक प्रख्यात न्यायविद थी और इन्होंने न्याय शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑन वायलेंस, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा, दो चीजें होती है, एक बायोग्राफी होती है और एक ऑटोबायोग्राफी होती है। बायोग्राफी किसी के जीवन वृतांत के बारे में, कोई भी व्यक्ति लिख देता है वो बायोग्राफी होती है। ऑटो मतलब सेल्फ और बायोग्राफी मतलब अपना जीवन वृतांत। तो लीला सेठ की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा जिसे कहते हैं, ऑन वैलेंस है, में उन्होंने न्यायपालिका में एक महिला होने के कारण आने वाली अतिरिक्त कठिनाइयों का भी वर्णन किया है। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी महिला होने के नाते क्या क्या कठिनाइयां आती है उनको भी इन्होंने लिखा है अपनी इसमें ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम ऑन बैलेंस है। लीला सेठ जस्टिस वर्मा समिति के 3 सदस्यों में से एक थी। जस्टिस वर्मा समिति निर्भया कांड के आपराधिक मामलों के जांच के लिए गठित की गई समिति थी। आप जानते हैं कि निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुआ था। अब वर्ष 2017 में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये तो रही मोटी मोटी इनसे जुड़ी बातें, कुछ विशेष बातें भी इनके बारे में जानते हैं। आइए बात करते हैं इनसे जुड़ी विशेष महत्वपूर्ण बातें। लीला सेठ, स्पेलिंग इनका होता है LEIL, लीला। जीवन से जुड़ी बातें, जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 20 अक्टूबर वर्ष 1930 को हुआ था। करियर क्या था? वकालत की शुरुआत कोलकाता में की, उसके बाद फिर पटना आती हैं, बार एसोसिएशन का एग्जाम देती हैं, उसके बाद दिल्ली चली जाती हैं वकालत करने। 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त होती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी तक कोई महिला न्यायाधीश नहीं था, लीला सेठी वह प्रथम महिला न्यायाधीश थी जो दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। उसके बाद 1991 से 1992 तक इन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई।
और 1992 में ये क्या हो गई, सेवानिवृत्त हो गई। आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कौन कौन से ऐसे निर्णय रहे जिनमें लीला सेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन पर एक बार नजर डालते हैं। तो महिलाओं के साथ भेदभाव वाले मामले, महिलाओं के साथ भेदभाव वाले जितने मामले होते हैं, लगभग उस समय जो ऐसे मामले आए थे उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त परिवार में लड़की को अर्थात बेटी को, बेटा बेटी है तो बेटे को आमतौर पर देखते हैं कि उनको पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है, लेकिन बेटी को नहीं मिलता है। तो संयुक्त परिवार में पिता की संपत्ति में बेटी को भी बराबर की हिस्सेदारी मिले, इनके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। और जो राजन पिलाई की मौत हो गई थी उनकी जांच जैसे मामलों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, अहम रोल था। राजन पिलाई की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी। 1998 से 2000 तक 15वें विधि आयोग की सदस्य रही और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून में संशोधन कराया, जिसके तहत संयुक्त परिवार में बेटियों को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया। अभी हमने बताया कि लीला सेठ को बेटी को भी संयुक्त परिवार में पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर की हिस्सेदारी मिलने की इन्होंने जोरदारी सिफारिश की और हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसमें संशोधन करा के उन्होंने यह अधिकार बेटी को दिलवाया। अब इनकी क्या क्या प्रमुख पुस्तकें हैं इनके बारे में देखते हैं। लीला सेठ अनबैलेंस इनकी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा है इन्होंने। वी द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया 2010 में इनकी पुस्तक, वी द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया लीला सेठ की पुस्तक थी, इन्होंने लिखी थी, 2010 में प्रकाशित हुई। टॉकिंग ऑफ जस्टिस पीपुल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया, टॉकिंग विथ ऑफ जस्टिस पीपुल्स राइट्स इन मॉडर्न इंडिया 2014 में लीला सेठ की पुस्तक रही। इनकी मृत्यु 5 मई 2017 को नोएडा में रही। यह लीला सेठ से जुड़ी हुई आपको जानकारी कैसी लगी, हमारा कमेंट सेक्शन हरदम खुला रहता है। आपके विचार आते हैं तो एक हमें बल मिलता है ताकि मैं अपनी कक्षाओं को आगे और बेहतर बना सकूं। आप हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ, जानकारियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।